देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज। छत्तीसगढ़ चिरमरी कोयला खान क्षेत्र के NCPH कॉलरी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक SP त्रिपाठी का सम्मान समारोह NCPH कॉलरी के स्टाफ क्लब में किया गया, जहां सरस्वती जी की छाया चित्र पर पुष्पहार कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चिरमरी क्षेत्र के महाप्रबंधक भवन सिंह, उप क्षेत्रीय प्रबंधक SP त्रिपाठी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप के अलावा कई वरिष्ठजनों ने कवियों ने माँ सरस्वती जी के छाया चित्र पर पुष्पहार अर्पण किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी कवियों ने भाग लेकर अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। इस अवसर पर क्षेत्र के श्रमिक संघ, कई वरिष्ठ पदाधिकारी, आम नागरिक, महिलाएं काफी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रमिक संघ द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक SP त्रिपाठी का सम्मान किया गया, जो 31/10/2019 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिनका सम्मान श्रमिक संघ के अलावा वरिष्ठ खान प्रबंधक NCPH कॉलरी के US गेदाम में भी क्षेत्रीय प्रबंधक SP त्रिपाठी का श्रीफल एवं शॉल एवं पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर चिरमरी क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, आज का दिन बड़ा शुभ है। उन्होंने कहा, आज की तारीख बड़ी शुभ है, 31/10/2019 का मतलब बताते हुए कहा कि मैं भी एक कवि हूँ, परंतु मैं यहाँ बैठकर कविता पाठ करने की अपेक्षा सुनना अधिक पसंद करूँगा, क्योंकि हमारे कवि फ्रेंच कट दाढ़ी में देखे जा रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने एक अच्छा अनुभव बताते हुए कहा कि फ्रेंच कट दाढ़ी के बहुत सारे फायदे हैं, कहकर लोगों में एक गुदगुदी पैदा कर दी, जिसके चलते लोग ठहाके लगा कर हंसते देखे गए। मैंने सोचा था कि न बोलूं, लेकिन मंच पर आने से न बोलूं तो लोग बोलेंगे कि तू बोलता ही नहीं। तो दोस्तों, आज का जो तिथि है, मैं आध्यात्मिक उसकी चर्चा करके अपनी वाणी को, चूंकि बड़े विद्वान लोग हैं, मेरी भी इच्छा खूब थी, मैंने सोचा था जल्द चला जाऊंगा, लेकिन अब ऐसे ऐसे महानुभाव यहाँ है कि मैं थोड़ा सा सुन करके ही जाऊंगा। दोस्तों, आज की जो तिथि है 30/10/2019, 30 का जो है तीन जो चीज है, हर अंकों का विश्लेषण मैं करूंगा थोड़ा सा, ये जरूरी है, क्योंकि हमारे कवि को भी, कवित्री को भी जानना है संसार क्या है, हम क्या हैं, अपने बारे में ही हम नहीं जानते हैं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न हुआ, लीन कौन विधि पार, बड़ा खेल है, अपने आप को ही हम नहीं जानते हैं। अरे संसार के तो दूर का बात है। तो आज की जो तिथि है 30 है, पहला जो अंक है 3 है, सृष्टि के कारण 3 है, प्रकृति ब्रह्म और जीव, ये संसार सृष्टि का निर्माण हुआ है किससे, 3 चीज से, प्रकृति ब्रह्म और जीव हम लोगों के माध्यम से हुआ है। ये संसार जो है सत्व रज तम 3 चीजों से, हम 3 चीज से पीड़ित हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से। अब चलता हूं शून्य पर, 3 पर शून्य है। शिकागो में विवेकानंद ने जाके उद्बोधन जो शून्य पर दिया, वह शून्य केवल अंक नहीं था, वह पावन इसलिए है कि कोल इंडिया में 60 साल तक नौकरी करके बिताना जो है बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, और हमारे त्रिपाठी साहब, माननीय त्रिपाठी साहब, अपने व्यवहार से और अपने अनुभव से जहाँ भी वे कार्य किए हैं वो काबिल तारीफ रहा है। तो उनका अनुभव और उनका व्यक्तित्व शब्द की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं, कवि से रवि भी डरता है, रवि के संबंध में भी कवि जो है अपना वक्तव्य रख देता है। हम लोग
वैसे शख्स हैं जो काला को उजला बनाते हैं। काला को उजला बनाने का मतलब है कि काले हीरो को अपने परिश्रम के हर बूंद से, हर बूंद को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। हम हैं कोल इंडिया। दोस्तों, मैं भी कविता लिखता हूं, मैं भी कवि हूं, लेकिन दोस्त विद्वत मंडली के बीच में सुनना ज्यादा पसंद करूंगा, बोलना कम पसंद करूंगा। हालांकि रामचरितमानस कहता है कि बिन पग चले सुनाए बिन काना। बड़ा बड़ी बात है, बिना पग का भी गमन होता है और बिना कान का भी श्रवण होता है। बिन पग चले और सुनाए बिन काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आसन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वैसा ही मैं योगी हूं। कहने का आशय है, मैंने देखा ही मंडली को, तो पहले भाई जो हमारे कवि साहब फ्रेंच कट देख के बड़ा मेरे को याद आ गया। फ्रेंच कट से बहुत फायदा है, फ्रेंच कट दाढ़ी से फायदा ही फायदा है। उनके अंदर, कवि साहब के अंदर भी भाव आ रहा होगा कि तो महाप्रबंधक साहब बोल रहे हैं तो जरूर कुछ फायदा होगा। वो भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमने फ्रेंच कट रखा है और उसको जो है महाप्रबंधक जो है मुहर लगा रहा है, तो अंदर से बुदबुदी उनको भी आ रही होगी कि हमने ठीक ही आज रखा है। फ्रेंच कट दाढ़ी रखने का क्या है कि श्रम कम लगता है, इतना बनाना नहीं पड़ता है।